हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? गुड इवनिंग, एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। एज यू नो दैट एजर 104 के बारे में बात कर रहे थे हमने, ऑलरेडी 15 से 16 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। लास्ट सेशन में हमने आपको बताया था किस तरीके से आप क्लाउड सेल का इस्तेमाल करते हैं, क्लाउड सेल के जरिए कैसे रिसोर्स ग्रुप तैयार करते हैं या किस तरीके से आप वर्चुअल मशीन तैयार करते हैं, ये हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं वर्चुअल मशीन के बारे में। टॉपिक थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन अगर हम इसको अच्छे तरीके से देखें तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी आर्किटेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि अगर आप दोनों कंटेंट को कंपेयर करें, AG 104 के कंटेंट और AG 303 के कंटेंट को कंपेयर करें, तो वर्चुअल मशीन का जो टॉपिक है वो दोनों सर्टिफिकेशन में हमारी हेल्प करता है। मीन्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके AG 104 में भी आते हैं और AG 303 के केस में भी आते हैं। मीन्स आर्किटेक्ट और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों के लिए ये ज़रूरी है कि वर्चुअल मशीन को कैसे मैनेज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, पहले तो इसमें ये समझने की कोशिश करते हैं जो अपने पास एज्योर पोर्टल है, कितने मेथड ऐसे हैं, कितने तरीके ऐसे हैं एज्योर पोर्टल के ऊपर जिसके थ्रू हम वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज यू नो दैट अगर आप एज्योर कंसल्टेंट या क्लाउड कंसल्टेंट काम करते हैं तो क्लाइंट की 100% रिक्वायरमेंट होगी या क्लाइंट का क्रॉस क्वेश्चन होगा कि कितने तरीके से VM हम Azure पोर्टल पे तैयार कर सकते हैं या AWS पोर्टल पे तैयार कर सकते हैं। तो AWS इज अ सेपरेट पार्ट, अभी हम बात करने वाले हैं Amazon Microsoft Azure के बारे में। तो चलिए बात करते हैं कितने तरीके से आप VM को तैयार करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से जानने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल भी देखेंगे, इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे वर्चुअल मशीन को क्रिएट करके। तो बेसिकली Azure पोर्टल के ऊपर अपने पास, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैथड टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, हम ये तरीके नहीं बताने वाले हैं कि GUI के थ्रू या पावर सेल के थ्रू या टेम्पलेट के थ्रू, दिस इज द मैथड। आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ वर्चुअल मशीन, कितने तरीके के वर्चुअल मशीन अपने पास Azure पोर्टल पे अवेलेबल है। तो बेसिकली अगर हम बात करें बिल्कुल बेस से Azure VM के बारे में, तो हम अपने Azure पोर्टल से तीन अलग अलग मैथड से, तीन अलग अलग टाइप की वर्चुअल मशीन को हम अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसमें से पहला जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का तरीका है वो है ऑन डिमांड, ठीक है। दूसरा आप बोल सकते हो रिजर्वेशन, ठीक है। एंड थर्ड इज रिलेटेड टू द डेडिकेटेड। तीनों के बारे में बात करते हैं कि कब किसका, कौन से वर्चुअल मशीन का सेलेक्शन आप करेंगे, लाइक ऑन डिमांड कब प्रोसीड करना है, रिजर्वेशन वर्चुअल मशीन कब तैयार करनी है या डेडिकेटेड भी हम आपको कब तैयार करनी है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट Azure पोर्टल के ऊपर तीन तरीके से VM को हम तैयार कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट। हमारे पास तीन ऑप्शन है, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमें भी पता होना चाहिए कौन सी वर्चुअल मशीन को कब और किस तरीके के क्लाइंट को शेयर करना है। सो ऑन डिमांड से स्टार्ट करते हैं। ऑन डिमांड एज पर द नेम सजेस्ट, ऑन डिमांड एज पर द रिक्वायरमेंट, जब भी आपकी रिक्वायरमेंट है ऑन डिमांड आप यहां से डायरेक्टली VM को तैयार कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें ऑन डिमांड के केस में, तो ऑन डिमांड में कुछ पॉजिटिव मीन्स कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ इसके ड्रॉबैक भी हैं। तो बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आप कभी भी VM को डिलीट कर सकते हैं, कभी भी वर्चुअल मशीन को परचेज कर सकते हैं, और दूसरा अगर हम बात करें इस केस में पेमेंट की, तो आपको उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा आप जितनी देर वर्चुअल मशीन को यूज़ करेंगे। लाइक अगर आप 4 आवर्स वर्चुअल मशीन रन करते हैं तो यू हैव टू पे ओनली 4 आवर्स अमाउंट, ठीक है, एज इट इज। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ड्रॉबैक की बात करें तो ऑन डिमांड के केस में हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। ये अलग का मैटर अगर आपके पास लाइसेंस है, उस लाइसेंस का यूज़ करके आप BYOL का यूज़ करके 48% डिस्काउंट ले सकते हैं, लेकिन वैसे Azure अपनी तरफ से कोई डिस्काउंट आपको ऑन डिमांड के सिस्टम पे नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, टेस्टिंग पर्पज के लिए। अगर आपको टेस्ट करना है, वेब सर्वर इस्टेब्लिश करना है या कोई भी सर्वर इस्टेब्लिश करना है, तो आप डायरेक्टली जो है वर्चुअल मशीन को परचेज कर सकते हैं, राइट। एंड सेकेंड ऑप्शन इज रिलेटेड टू द रिजर्वेशन, एज पर द नेम सजेस्ट, रिजर्वेशन मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसमें पहले टर्म्स की बात कर लेते हैं, ये आपको मिल जाएगा 1 साल के लिए, आप इसको परचेज कर सकते हैं 3 साल के लिए, इवन 5 साल तक के लिए भी आप अपने इस VM को परचेज कर सकते हैं, राइट। सो 1 साल, 3 साल और 5 साल के ड्यूरेशन में आपको ये वर्चुअल मशीन मिलती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ये है, पेमेंट की बात करें तो इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है अगर आप अपफ्रंट पेमेंट के लिए रेडी हैं। लाइक आपने 3 साल के लिए वर्चुअल मशीन को डिसाइड किया कि हम 3 साल के लिए VM को खरीदना चाहते हैं, तो कम से कम आपको 25% से लेकर के 65% तक के बीच में डिस्काउंट आपको मिल जाएगा,
ठीक है, आप इस केस में जो डिस्काउंट मिलेगा, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आप इसको मंथली पेमेंट करते हैं, लाइक एज इन ईएमआई मंथली पेमेंट करते हैं, तब भी आपको कम से कम 15% से लेकर के 40% का डिस्काउंट मिलेगा, राइट। तो ये खासियत होती है अपने पास रिजर्वेशन की। क्वेश्चन ये है किस तरीके से, किस तरीके के क्लाइंट को हम पिच करेंगे कि रिजर्वेशन वर्चुअल मशीन परचेज कर लो। तो बेसिकली अगर कोई बंदा वेब सर्वर इस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है, या कोई बंदा एप्लीकेशन सर्वर इस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है, डेटाबेस का प्लान कर रहा है कि डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं एज ए पोर्टल के ऊपर विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मशीन, तब हम इनको रिजर्व वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करेंगे, रिजर्वेशन पिच करेंगे। क्योंकि इस केस में यू नो दैट जब भी हम वेब सर्वर इस्टेब्लिश करते हैं क्लाउड के ऊपर या कहीं से भी, तो जाहिर सी बात है हम लॉन्ग टर्म के लिए उसको सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, दैट्स वाई। तो इस केस में कुछ हमें पेमेंट भी बचाना है, तो आप इसको रिजर्वेशन के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। डेडिकेटेड वन ऑफ इम्पॉर्टेंट सर्विस, वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ वर्चुअल मशीन, नाम से लग रहा है डेडिकेटेड। एक्चुअली मैं अगर बेस से बताऊं तो इसके लिए थोड़ा सा आपको बैकएंड समझने की ज़रूरत पड़ेगी। एक्चुअली क्या है, हम लोग एज्योर पोर्टल इस्तेमाल करते हैं, लाइक दिस इज आवर एज्योर पोर्टल, राइट। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये अपने पास एज्योर पोर्टल है। और अगर हम बैकएंड की बात करें तो आपको भी पता है हर एक क्लाउड प्रोवाइडर ने डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल में डेटा सेंटर इस्टेब्लिश कर रखे हैं, सेंट्रल यूएस, ईस्ट यूएस, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, लाइक दैट दे इस्टेब्लिश अब मल्टीपल डेटा सेंटर टू डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर आप एज्योर पोर्टल की बात करें, एक पोर्टल ये है, ये दूसरा पोर्टल है, ये तीसरा पोर्टल है, एबीसी के नाम से ये पोर्टल रन कर रहा है, एक्स वाई जी के नाम से रन कर रहा है, 123 के नाम से रन कर रहा है, और ये सभी बंदे जो है अपना खुद का सब्सक्रिप्शन परचेज कर रखे हैं, इसने क्रेडिट कार्ड अपना खुद का लगाया, एक्स वाई जी ने अपना खुद का क्रेडिट कार्ड लगाया, तो इट मीन्स दैट बोथ आर अ सेपरेट अकाउंट। अगर ये तीनों अकाउंट, तीनों बंदे एक ही लोकेशन में वीएम क्रिएट करते हैं सेंट्रल यूएस में, फॉर एग्जांपल सभी ने प्लान किया कि वीएम क्रिएट करते हैं क्योंकि लाखों करोड़ों यूजर हैं, कोई भी कहीं पे डेटाबेस किसी भी लोकेशन में अपनी वीएम को क्रिएट कर सकता है। एक्चुअली इस केस में क्या होता है ना, आप सिंगल वर्ड में बोल सकते हैं, जब ऑन डिमांड या रिजर्वेशन की बात करते हैं ना, तो ये हमें ना एक शेयर्ड होस्ट प्रोवाइड करते हैं। शेयर्ड होस्ट का मतलब है कि एबीसी के अकाउंट वाले बंदे की भी वर्चुअल मशीन यहीं पे है, एक्स वाई जी वाले बंदे की भी वर्चुअल मशीन यहीं पे है, 123 वाले बंदे की भी वर्चुअल मशीन यहीं पर रन कर रही है, गॉट इट। तो शेयर्ड होस्ट का मतलब है, अब जाहिर सी बात है अगर बैंकर से हम बात करें कि आपकी जो वर्चुअल मशीन आएगी आपकी ऑफिस के लिए, उसी होस्ट पे बैकेंड में कोई दूसरा बंदा भी एक्सेस कर रहा है तो वो तुरंत बना कर देगा सिक्योरिटी की वजह से। दैट्स वाई सभी क्लाउड प्रोवाइडर ने डेडिकेटेड का प्लान किया, और डेडिकेटेड का मतलब ये है कि अगर आप डेडिकेटेड वीएम परचेज करते हैं तो आप जिस भी अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक एबीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके लिए एक स्पेशल हार्डवेयर या होस्ट बैकेंड में कॉन्फ़िगर किया जाएगा, जिसका एक्सेस, जिसके ऑनरशिपिंग सिर्फ आपकी रहेगी, बाकी कोई भी बंदा इस पे वीएम नहीं तैयार कर पाएगा, जिससे क्या होता है थोड़ा सा सिक्योरिटी लेवल हमारा बढ़ जाता है। तो जितनी बैंकर्स हैं या जिन कंपनियों को लगता है कि नहीं सिक्योरिटी का पंगा हो सकता है क्लाउड के ऊपर, तो उनके लिए आप डेडिकेटेड वीएम असाइन कर सकते हैं, डेडिकेटेड बोल सकते हैं कि आप डेडिकेटेड पे क्रिएट कर लो। उम्मीद है कि ये तीनों स्टेप आपको सही तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लियर, पोर्टल पे चलते हैं, दिस इज आर पोर्टल, कंप्यूटर पे क्लिक करिए, सभी ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। नॉर्मल वर्चुअल मशीन पे क्लिक करिए, वीएम पे क्लिक करने के बाद दोनों ऑप्शन दिखने लगेंगे, आप ऑन डिमांड, अगर आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो आप ऑन डिमांड पे प्रोसीड करेंगे, अगर आप रिजर्वेशन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको रिजर्व वर्चुअल मशीन मिलेगी। तो फटाफट वर्चुअल मशीन देख लेते हैं, रिजर्वेशन में क्या क्या है, नॉट ओनली द वर्चुअल मशीन, मल्टीपल ऑप्शन है, कई तरीके की सर्विस को आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रिजर्व करा सकते हैं। यहाँ पे देखो 20 से 22 सर्विसेज हैं जो आपको रिजर्वेशन का ऑप्शन प्रोवाइड करेंगी, वर्चुअल मशीन, ब्लॉब स्टोरेज है ना, डेटा फैक्ट्री, सुजलिनक्स, डेटा हार्ड डिस्क भी आप रिजर्व करा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। नंबर ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, हमारा प्लान है वीएम बनाना, सेलेक्ट करिए वीएम पे, और ये आपको इन्फॉर्म करेगा कि कितने टर्म्स, किस तरीके से लोकेशन या क्या आपको सेलेक्ट करना है, इस पर्टिकुलर पेज से आप फाइनल कर सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन की डिटेल है, आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन डिसाइड करिए, शेयर्ड स्कोप, मैनेजमेंट ग्रुप, सिंगल सब्सक्रिप्शन या सिंगल रिसोर्स ग्रुप, या आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं किस तरीके से वीएम बनानी है। दिस इज़ आवर रीजन आर लोकेशन, यहाँ से आप अपने जो भी लोकेशन में आप तैयार करना चाहते हैं उस लोकेशन को डिसाइड कर लेंगे। ये टर्म्स है जो हमने थ्योरेटिकल बात की थी कि एक साल, तीन साल, पाँच साल के लिए आप अपने वीएम को खरीद सकते हैं। ये पेमेंट की फ्रिक्वेंसी हो गई, मंथली और अपफ्रंट पेमेंट।
दोनों के केस में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, अपफ्रंट पेमेंट पे और मंथली पेमेंट पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। बट इस सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए आपको इंटरप्राइज सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा। MSDN के केस में, नॉर्मल पे एस यू गो के केस में, फ्री ट्रायल के केस में हम इसमें रिसोर्सेस नहीं खरीद सकते, आपको इंटरप्राइज सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन एज ए ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये तो बात हो गई रिजर्वेशन की। बैक करते हैं हम और यहाँ पे बात करते हैं वर्चुअल मशीन तैयार करने की। तो वर्चुअल मशीन बनाने में बहुत सारे ऑप्शन हमें फॉलो करने पड़ेंगे। चलो मीनवाइल हम बात कर लेते हैं अभी डेडिकेटेड की। तो आप यहाँ पे डेडिकेटेड टाइप भी कर सकते हो, डायरेक्टली आपको डेडिकेटेड होस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे डेडिकेटेड होस्ट मिल गए, आप डायरेक्टली अपने इस पोर्टल के ऊपर डेडिकेटेड होस्ट डिज़ाइन करके उसके अंदर एन नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन को तैयार कर सकते हैं। राइट? सो क्रिएट अ डेडिकेटेड होस्ट। यहाँ पे आप लोकेशन डिसाइड, रिसोर्स ग्रुप डिसाइड करोगे किस रिसोर्स ग्रुप में रखना है। Azure क्लास 1, टाइप द नेम ऑफ योर होस्ट, बेसिकली हम होस्ट की बात कर रहे हैं। लोकेशन कोई से भी आप डिसाइड कर लो, लाइक आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद ईस्ट US। और यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑप्शन, दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ऑलरेडी हैव विंडोज सर्वर लाइसेंस या इन्हीं से खरीदना है। तो आई डोंट हैव अ लाइसेंस, मुझे इन्हीं से चाहिए। यहाँ पे देखो वी हैव अ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसेंस, यहाँ पे विंडोज सर्वर डेटा सेंटर सब्सक्रिप्शन परचेज करना है या लाइसेंस परचेज करना है, या विंडोज सर्वर 2019 सॉरी रिक्वायर्ड बिफोर 1 अक्टूबर। ठीक है, यहाँ पे हम एक सब्सक्रिप्शन परचेज कर लिए, प्रोसीड कर लिए। SQL हमें यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। ठीक है, वी आर यूजिंग अ बेसिक पोर्टल, सॉरी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा क्रिएट अ न्यू होस्ट ग्रुप, बैकेंड में जो होस्ट ग्रुप तैयार होगा। टाइप द नेम ऑफ योर होस्ट ग्रुप, टेस्ट GRP के नाम से। अवेलेबिलिटी सिंगल रख दो, एज वी डिस्कस्ड पहले भी हमने बात की है दूसरी वीडियो में कि अवेलेबिलिटी सेट के थ्रू आप मल्टीपल लोकेशन में अपने डेटा सेंटर की कॉपी बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि यहीं से प्राइसिंग डिसाइड होगी और प्राइसिंग के केस में फैमिली साइज। सो एन नंबर ऑफ ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं और अगर इनके कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप चेक करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन इज रियली हाई। मीन्स इस केस में आप देखो 96 वर्चुअल CPU आपको 20 CPU मिल रहा है, 96 वर्चुअल CPU आर नीडेड फॉर कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स अगर आपको डेडिकेटेड होस्ट तैयार करना है तो कम से कम आप इस कॉन्फ़िगरेशन का CPU आप परचेज करेंगे। राइट? तो बट अभी अपने पास उतना बजट नहीं क्योंकि हम MSDN अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो MSDN के अकाउंट के केस में ये कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल ही नहीं है। मीन्स जब भी आप होस्ट परचेज करने की प्लान करते हैं तो डेफिनेटली आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए। तो उस होस्ट से आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन तैयार कर सकते हैं, इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, तो ये ऑप्शन है जहाँ से आप अपने इन्वायरमेंट के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेडिकेटेड सिस्टम परचेज कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों के लिए, रिजर्व इंस्टेंस के लिए और अपने पास डेडिकेटेड होस्ट के लिए, दोनों के लिए हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट इंटरप्राइज सब्सक्रिप्शन हमारे पास होना चाहिए, तभी हम इन चीज़ों को परचेज कर पाएंगे। क्लियर? उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं ऑन डिमांड, जो हम तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ऑन डिमांड के केस में जब तक आपको रिक्वायरमेंट है तब तक आप यूज़ करेंगे, अदरवाइज उसको आप डिलीट कर सकते हैं। क्रिएट पे क्लिक करिए, वर्चुअल मशीन पे जाइए। ये आपका ऑन डिमांड वर्चुअल मशीन है, इसमें डिस्काउंट नहीं मिलता, लेकिन आप इसमें जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से VM को यूटिलाइज कर सकते हैं। 2 दिन चलाना, 5 दिन चलाना, इट्स अपॉन यू। बेसिक डिस्क नेटवर्किंग मैनेजमेंट, एन नंबर ऑफ ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। पहला ऑप्शन सब्सक्रिप्शन है, दूसरा ऑप्शन रिसोर्स ग्रुप है। तो एज वी नो दैट एक रिसोर्स ग्रुप आप डिसाइड कर लीजिए। वर्चुअल मशीन का नाम कोई सा भी नाम दे दो, वेब नाम रख दिया, सेंट्रल US इज आवर लोकेशन, इसके बारे में प्रॉपर बात करेंगे अभी क्योंकि इसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इमेज जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्ट है, आप यहाँ पे सी ऑल इमेज में जा, इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा एक दूसरे मार्केट प्लेस पे। यहाँ से आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं, लाइक उबंटू, रेड हैट, कोई से भी ऑपरेटिंग सिस्टम, या आपने कस्टमाइज करके अपना खुद का इमेज इसमें इंस्टॉल कर रखा है, अपलोड कर रखा है, तो वो भी आप यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अपने केस में अभी हम यहाँ पे बेसिक सा सर्वर 2012 की एक वर्चुअल मशीन तैयार कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे विंडोज सर्वर 2012 R2 डेटा सेंटर, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 कोर का CPU, 4 GB की रैम यहाँ पे मिलने वाली है। सी ऑल साइज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि कितने नंबर ऑफ आपके पास कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम है। यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी, CPU है, रैम है, डेटा डिस्क है, IOPS है,
यहाँ पे प्राइसिंग है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने में सारी चीज़ें। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे देखोगे आप एक एक कॉन्फ़िगरेशन की लिस्ट मिल जाएगी, मीन्स प्राइसिंग मिल जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग और बजट को मीन्स ध्यान में रख करके आप अपने हिसाब से VM को परचेज कर सकते हैं। चलिए मीन वाइल यहाँ पे देख लेते हैं CPU कोर्स, VCPU वर्चुअल CPU की बात कर रहे हैं, RAM जिसमें GHz में मिल जाएगी, डेटा डिस्क और मैक्सिमम IO जो स्पीड डिसाइड करेगा आपके हार्ड ड्राइव की, और ये टेम्परेरी स्टोरेज। हर एक वर्चुअल मशीन में, जब जो भी वर्चुअल मशीन आप Azure पोर्टल से परचेज करेंगे, हर VM में एक टेम्परेरी डिस्क मिलेगी सेपरेट डिस्क वन के नाम से, और इसमें जो है बेसिकली इसको टेम्परेरी स्टोरेज बोला जाता है, और इसमें पेज फाइल वगैरह जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की पेज फाइल रहती है उसमें स्टोर की जाती है। Azure कभी नहीं सजेस्ट करता कि आप उसमें डेटा रखिए। एक कोर CPU 3.5 GB ऑफ रैम, चार डेटा डिस्क, फोर डेटा डिस्क, 32 IO, टेम्परेरी स्टोरेज जो रहेगा 7 उसकी कैपेसिटी रहेगी, और इसकी कॉस्ट है 3839.29 रुपीज़। टू कोर CPU 8 GB रैम लगभग 5000 के 5700 रुपये के आसपास, दो कोर का CPU 8 GB की रैम ये लगभग 10000 के आसपास है, ठीक है। एंड अभी हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं दो कोर CPU 4 GB रैम पे, और इसमें हमें देना पड़ेगा 2600 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, और इसमें 8 GB की डेटा डिस्क मिलेगी, 1280 का IO है। चलिए करिए सेलेक्ट। नेक्स्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये इसका लोकल एडमिनिस्ट्रेटर होगा, तो यूजर नेम एंड पासवर्ड, पासवर्ड मस्ट बी अ मिनिमम 12 कैरेक्टर, जो भी पासवर्ड आप रखेंगे कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और मिनिमम 12 कैरेक्टर होना चाहिए। 3389 क्योंकि विंडोज़ कंप्यूटर है तो इसमें 3389 का पोर्ट हम ऐड कर रहे हैं ताकि हम RDP एक्सेस कर पाएँ। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नो नीड टू मेक एनी चेंजेस क्योंकि हम हार्ड डिस्क ऐड करेंगे VM बनने के बाद। प्रीमियम SSD मिल रही है, प्रीमियम SSD पे मूव कर दीजिए। नेक्स्ट नेटवर्किंग की बात करें तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो VNet बनता है, VNet बाय डिफॉल्ट VNet ही सेलेक्ट कर ले रहे हैं, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। नेक्स्ट करिए और प्रॉपर तरीके से देख डिस्कस करेंगे, ड्यूरेशन का बहुत ज़्यादा वीडियो का ना हो इस वजह से हम नॉर्मली बेसिक स्टेप आपको बता रहे हैं कैसे क्रिएट करना है। एक सेकेंड वीडियो हम इस पर बनाएंगे किस तरीके से जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करते समय ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं उनके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो का बेसिकली एजेंडा था टू अंडरस्टैंड अबाउट डेडिकेटेड मशीन, ऑन डिमांड मशीन और अपने पास जो रिजर्वेशन होता है इनको समझना। लास्ट में जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे ना तो ये वैलिडेट करेगा जो भी आपने सेटिंग कॉन्फ़िगर किया है वो वैलिडेट करेगा, अगर वैलिडेशन पास्ड है ये आपको कॉस्ट बता देगा 3.59 के आसपास पर आवर के हिसाब से आपको पेमेंट देना पड़ेगा। अब क्लिक करिए, 3 से 4 मिनट का टाइम लेगा, वर्चुअल मशीन रेडी हो जाएगी और यू नो दैट RDP टूल डाउनलोड करके आप इसको कनेक्ट करा सकते हैं। सो दिस इज़ द मेथड टू क्रिएट द वर्चुअल मशीन। उम्मीद है कि आपको जो टॉपिक का एजेंडा है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं जिसमें हम आपको स्क्रैच से बताएंगे किस तरीके से वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया जाता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में।